पूछा जाता है, और 1 लाख बार तो पूछा गया ही है, बट जब भी पूछा जाता है जेन्युइनली आंसर होता भी और नहीं भी होता है, क्योंकि जेन्युइनली ये 16 साल कैसे निकले मेरे, क्या किसी को भी नहीं पता है ऐसे निकले यार, तो अनरियल है जेन्युइन। इवन मुझे पता नहीं चला 1 साल का कब मैं आया, एकदम से 1 साल बीत गया। चैलेंजिंग था क्योंकि मतलब था भी और ज़्यादातर नहीं भी, क्योंकि एक तो मैं बचपन से इस कैरेक्टर को देखता था, मैं खुद 2008 से मैं देखता था, तो काफ़ी हद तक मुझे मतलब मैंने देख रखा था इस कैरेक्टर को। प्लस इसमें ब्राउनी पॉइंट्स ये थे कि मेरे फ्रेंड्स थे सेट पे, ये सब मेरे दोस्त बन चुके थे, तो ये बताते थे हमारे वजह से, इनके भी वजह से। प्लस और दिलीप सर, मंदार सर तो है ही, वो लोग मुझे बताते थे देखो ये इस कैरेक्टर का ये लेयर है, यहाँ पे ये इस तरह से बिहेव करेगा, वो करेगा, तो उस सब की मेहनत से काफ़ी कुछ समझ में आ गया। तो हाँ, जितना मुझे लगा था कि उतना मैं करूँगा तो मेरे को इतना फीडबैक आएगा, बट उससे ज़्यादा ही करना पड़ रहा है प्लस। और लेकिन लोगों के प्यार की अगर बात है तो वहाँ पे फिर वो सब मैं देखता ही नहीं, तो फिर क्रेजी वन वर्ड, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आता है जब आप इतने, जिसको काम अपना एक टॉप लेवल पे आता है उनके साथ काम करके आप भी बहुत कुछ सीखते हो ना, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है, और सीन्स करने में भी मज़ा आता है, और आप लोग तो ऑब्वियसली उसके बाद प्यार देते हो तो वो तो देते ही हो, बट जनरली एक ही गल कर रहे हो ओ सॉरी ताला मार के जाते हैं अपने नहीं कुछ वैसे होता है ना, जैसे इसने कैसे बताया कि एक दिलीप सर से काम करना, और दिलीप सर एज अ ह्यूमन बींग हम जानते हैं ना, दिलीप सर एज एन एक्टर भी जानते हैं, दिलीप सर एज अ ह्यूमन बींग भी जानते हैं, तो वैसे ही हमारा भी है यार, हम लोग हमारे उनके वजह से बहुत इम्पैक्ट गिरा है हमारे कैरेक्टर में भी और हमारे लाइफ में भी, तो लाइफ में भी बहुत चीज़ें सीखने मिलती हैं। यस, बहुत डेफिनेटली हम ऑब्जर्व करने मिलता है।